है, जेजेके वाला कर रहे हैं अपन। टोटल एप्लीकेशन आई 1.5 लाख, 50,000 की थी, और इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब 3 टाइम्स, ठीक है ना। 30% को रिजेक्ट कर दिया और पैसा रिफंड कर दिया। जो भी एक्सेस मनी था उसको क्या किया, अलॉटमेंट में यूज कर लिया। दीपक एक शेयर होल्डर था कैटेगरी 1 वाला, उसने अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स के लिए, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। राजू था जिसको कि 1,100 शेयर मिले, उसने भी अलॉटमेंट नहीं दी। राजू कैटेगरी 2 का था और दीपक कैटेगरी 1 का था। दोनों के शेयर्स फॉरफीट कर लिए इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल मंगाया है ना, फर्स्ट कॉल एंट्री क्या होगी पिक्चर? बैंक अकाउंट डेबिट 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से होगी? 3 लाख। इसको कैसे करोगे? देखो ये टेबल जो बना रहे हो ना, इसमें कर सकते हो एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन का 2 रुपए इस पर आया होगा, है ना। तो 1 साथ और इसका कितना आया होगा? 90। टोटल कितना आया? 90, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ड्यू कितनी थी? तो 80,000, 20,000 और उसकी कुछ भी ड्यू नहीं थी, मतलब कितनी दी होती? 1 लाख। अरे एप्लीकेशन जनरल रिजल्ट। हाँ
रखो तो कुछ भी अमाउंट फोर्टिट का प्रति कैसा ले सकता है। ठीक है, तो ये जो ड्यू हुआ है इसके लिक्विड एप्लीकेशन टू लेना। ₹50,000 100 रुपये इसमें इतना। अब अपन करेंगे अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू अलॉटेड के हिसाब से होगा 40,000 इंटू कितना था बेटा अलॉटमेंट 4 रुपए, तो 1,60,000 और ये होगा 40,000 है ना, इसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी अलॉटमेंट की एंट्री नहीं करनी, पहले एप्लीकेशन तो पूरा हो जाए। तो अपन एडवांस कितना एडजस्ट करेंगे देखो, ड्यू था सॉरी अलॉटमेंट ड्यू था, ये 1 साल आया, इसका 80 यूज हो गया, और 1 साल और मंगाना है, इसमें भी 80 यूज हो जाएगा। तो एडवांस एडजस्ट कितना होगा बेटा 80, और इसका पूरा 20 यूज हो जाएगा। देखो ध्यान से, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक रिफंड कितना कर देंगे बेटा 90,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना डाल देंगे बेटा 1,00,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड ना, 10,000 का फर्क आ गया ना। ठीक इसका 30 बचा ना, हाँ तो 30 है जो सोलह सौ, ये 10 है तो कितना हो रहा है 2,00,000। ठीक
हो गया। हो ये तीनों अपार्टमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दो लाख। ठीक ठीक बच्चों, यहां तक करने के बाद आपको वर्किंग बनानी पड़ेगी। इसलिए इसीलिए तो पहले अलॉटमेंट मंगा तो लें कितना है, फिर कॉम्पीट करें। तो दीपक जो था, जो कैटेगरी वन का था, हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स, उसका अलॉटमेंट नहीं। दीपक दीपक एडजस्टमेंट है ना। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वन थाउजेंड इंटू टू 2,000। अप्लाइड कितने थे? 1,000। इसको अलॉटेड कितने थे बेटा? ये नहीं पता। अलॉटेड अलॉटेड पैडिग्री दीपक जो था कैटेगरी वन का, पर क्या अप्लाइड को हमने कितने दिए थे बेटा? पर एप्लीकेशन ड्यू ठीक है, ये उसका एडवांस अलॉट ड्यू कितना हुआ बेटा? इसका पेड अमाउंट कितना रहा बेटा दीपक का? ठीक
दूसरा कौन था बेटा? राजू। राजू जो था उसके पास कितने शेयर्स थे? 100। उसने भी अलॉटमेंट नहीं दिया, वो किस कैटेगरी का था? कैटेगरी 2 का। राजू एडजस्टमेंट, ठीक है। ये किस कैटेगरी का था जिसमें 25 को 10 दिए थे हमने? इसको कितने दिए? 100। तो कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे? आ जाएगा 250 शेयर्स अप्लाई, है ना। इसने भी क्या किया? डेंट पे अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना होगा? ठीक है, एप्लीकेशन ड्यू कितना था? अलॉटमेंट ड्यू कितना था? अनपेड कितना रहा? टोटल अनपेड कितना रहा बेटा? 1100। टोटल अनपेड कितना आ रहा बेटा? 1100। अनलेस 50 4 रुपये, यानी कि कितना आना था? एडवांस से जो 90 लेस अनपेड कितना रहा बेटा? 1100। कितना बचा? 88 टोटल अलॉटमेंट रिसीव। एंट्री होगी बैंक कॉल सिनेरियोस, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना हुआ? बोलो, देखिए कुल 50,000 शेयर इशू किए थे, 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट कितना आना था? 2 लाख। एप्लीकेशन का एक्सेस कितना अपन अलॉटमेंट में डाला था? 1,10,000। तो नहीं आएगा, 90 आता, पर ये दीपक और राजू ने बताया 88। ये समझना है तो बताओ।
पचपन अरे मेरे दत्ता, पहले अलॉटमेंट मंगा लो, फिर फोरफीचर कर लो। के तो ये बता दो उनको, तो हम बता बोलेंगे ना। प्रूफ हम तो सीधे बोलोगे कि कर लें, तो अपन क्या बोला, करनी है ना। क्या फोरफिटेड से री इशू कर दिए क्या? हाँ अब पतले री इशू बाद में करनी, पहले फर्स्ट कॉल करनी। फर्क पड़ता है ना, क्योंकि तब हाफ पेड रहते हैं। सुन रहा, फर्स्ट कॉल के बाद वो फुली पेड अप होते हैं। जब दिया है क्वेश्चन में उसी हिसाब से करना पड़ेगा। टेक्निकली गलत है, कभी कभी तुक्के में सही हो जाता। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अच्छा अरे रुको रुको रुको, फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर क्या? देखो, दीपक के पास थे 5 फीट के, अप्लाई से कोई मतलब नहीं है। जितने शेयर उनके पास थे वो 4 फीट होते हैं, उनके पास 600 थे उतने 4 फीट हो गए। उन पर कॉल्ड अप कितना था बेटा? अलॉटमेंट तक कॉल्ड अप तो यानी कि 2 और 4 रुपए ये आ चुके, ये मंगाए थे अपन। कॉल्ड अप से डेबिट होता है तो 3600 से डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स कितना होगा बेटा? 11 से टू फोरफीटेड शेयर्स कितना आएगा बेटा? 5 लाख कॉल्ड अप होता है उतना कैंसिल करते हैं। 2 और 4 मिलाकर के हुआ कितना? 6, इतना कॉल्ड अप। फर्स्ट कॉल अभी किया नहीं है तो वो कॉल्ड अप नहीं है। ठीक है, अब कॉल करो तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर क्या पकड़े? क्या पहले कर दिए? करता है फोरफिट का तो लिखा हुआ है ना, होनी चाहिए क्लियर। आफ्टर वर्ड, आफ्टर वर्ड फर्स्ट कॉल वैसे है ना। क्या क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसे कर दें। पड़ा
देखो क्या होता है, कोई गलती नहीं है, समझ रहे, पर इस बात को समझो कि हमको अकाउंटिंग टाइमलाइन के हिसाब से करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन छोटा है, समझ रहे, प्रोसीजर सही नहीं सीखेंगे तो फिर बड़ी चीजों में गलती करें। अभी तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्चुअल लाइफ में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि तुम शायद दोबारा भी एंट्री कर दो उसकी, समझ रहे, मतलब। और वो ऐसा चलेगा ही, मतलब कुल मिलाकर के सही प्रोसीजर ही सीखो, ठीक है। ये बात अभी इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी है, पर वैसे मतलब मैं एक कितना है? 49,400 इंटू क्या बोले, 197,600। ठीक है, फर्स्ट कॉल तो रिसीव हो गया शायद, है ना? तो बैंक टू फर्स्ट कॉल कितने से बेटा? 197,600। अब री इशू करेंगे, फोरफिटेड शेयर्स कितने पे री इशू कर दिया बेटा? 11। तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना कितना? 54 टू कैपिटल रिजर्व पूरा। ठीक है, चलिए तो ठीक ये कवर पे से क्या है क्या? सुबह में छोड़ दिया। अच्छा, तो ये जल्दी करो, सीए फाउंडेशन का ये इश्यूज और पिक्चर शुरू होता नहीं होता।
कैसे तुम भी कर लो सी, ठीक बुक्स लेके पढ़ लो, जरूरी तो नहीं किसी की। तो इसमें एक्चुअली मैं एग्जॉस्टेड, तो कुछ क्वेश्चंस में ऑब्वियस सी बात है दिक्कत होगी। हाँ अबे स्कैलर मॉड्यूल आता है लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए नहीं यूज कर सकते। बेवार बेवार हाँ लेकिन ये तुम्हारा पूरा ये कोर्स उसके दो चैप्टर का होगा, पार्टनरशिप और कंपनी।